हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको दी थी, जिसमें एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। तो पिछले वीडियो में हमने टॉपिक लेवल जो पढ़े थे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, अपेक्स कंज्यूमर और ओमनिवोरस जो है, आपको सब समझ में आया होगा। अगर इसको आपको समझ में आया तो आगे जो का जो पार्ट है वो भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे हेडिंग लिखा है फूड चेन एंड फूड वेब, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमने पिछले ईयर में भी पढ़ी थी, जिसमें इकोसिस्टम जो चैप्टर था वो पढ़ा था। तो उसमें भी अलग अलग तरह की इकोसिस्टम्स जो है वो दी थी, और उस इकोसिस्टम में अलग अलग तरह के फूड चेन जो है वो भी यहाँ पे बताए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक डायग्राम दिए हमारे बुक के अंदर। उस डायग्राम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स दिखाए, इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप जो है वो हमें एक्सप्लेन करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे कंपोनेंट जो है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द सनलाइट फॉल्स ऑन द ग्रासेस एब्सॉर्ब द सनलाइट एंड दे प्रोड्यूस देयर फूड मोन फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। यानी कि जो एनर्जी यहाँ पे मिल रही, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही। बच्चों आपको एक बात हमेशा ख्याल में रखना है, हमारे अर्थ के अंदर जो कोई भी एनर्जी है, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर इनडायरेक्टली हार्नेस फ्रॉम द सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट एंड ओनली वन सोर्स ऑफ एनर्जी। यही एक अकेला सोर्स है और जिससे सारी एनर्जीज बनती है। अब जो एनर्जी इस ग्रास के अंदर है इन द फॉर्म ऑफ फूड, इसको खाता है ग्रासोफर। यानी कि ये एनर्जी किस में गई? ग्रासोफर में गई। ग्रासोफर इज ईटन बाय द फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन बाय द स्नेक, एंड द स्नेक इज द प्रे ऑफ ईगल। तो स्नेक को कौन खाता है? ईगल। और जब ये सभी मरेंगे, मरने के बाद ग्रासोफर जो फ्रॉग है, स्नेक है, ईगल है, इनकी डेड बॉडी जो इनका डिकम्पोजिशन करेगी, यहाँ पे डायग्राम दिए, ये है फंजाई और बैक्टीरिया, ये क्या करेंगे? उनका डिकम्पोजिशन करेंगे, और डिकम्पोजिशन करने के बाद दे ऑल आर कन्वर्ट्स इनटू द ऑर्गेनिक मैटर, जिससे न्यूट्रिएंट्स बनता है जो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। और वही न्यूट्रिएंट्स जो है पुनः कौन प्राप्त करता है? प्लांट्स जो है वो उसको एब्सॉर्ब करते हैं और हम उनका खाना खुद बनाते हैं। एंड दिस इज अ वन टाइप ऑफ फूड चेन। ये क्या है? एक प्रकार की फूड चेन है। तो इस फूड चेन में आपको पता चला होगा देयर ऑकर्स अ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट्स। अब इसमें प्रोड्यूसर कौन है? ग्रास इज द प्रोड्यूसर, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द फूड मटेरियल। देन ग्रासोफर क्या है? ग्रासोफर, फ्रॉग, रेस्ट आर द कंज्यूमर्स, बाकी सभी क्या है? कंज्यूमर्स है। तो उसमें भी ट्रॉपिक लेवल्स है। द ग्रासोफर जो है, ग्रासोफर ये हर्बीवोरस एनिमल, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। देन फ्रॉग इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक ऑल्सो द सेकेंडरी कंज्यूमर, ईगल इज द टर्शरी कंज्यूमर, और अपेक्स कंज्यूमर, क्योंकि इसको खाने वाला कोई नहीं है। और इन सब का डिकम्पोजिशन का जो करते हैं, इसे कहते हैं डिकम्पोजर्स। और ऑल दीज आर द सैप्रोफाइट्स। डिकम्पोजर्स क्या है? सैप्रोफाइट्स। ये जो है ये कंज्यूमर्स है और ये प्रोड्यूसर। इन सब के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होती है। तो इंटरेक्शन जब होती है, देर इज ए डेफिनाइट सिक्वेंस इन द इंटरेक्शन, एंड दिस डेफिनाइट सिक्वेंस इन द इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज फूड चेन। तो इंटरेक्शन में डेफिनेट सीक्वेंस क्या है? अब देखिए, प्रोड्यूसर के ऊपर ये डिपेंड है, इसके ऊपर ये डिपेंड है, इसके ऊपर ये डिपेंड है। तो ऑल दीज आर द लिंक्स इन द इकोसिस्टम। तो ये सभी क्या है? इकोसिस्टम में लिंक है। इकोसिस्टम किससे बनती है? इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ लिंक। इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ लिंक। जो लिंक होती है, लिंक से इकोसिस्टम बनती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिंक कौन कौन सी है? ग्रासोफर एक लिंक है, फ्रॉग लिंक है। तो लिंक इसे कहते हैं एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ लिंक इन अ फूड चेन। तो फूड चेन के अंदर जो भी इंडिविजुअल है, यानी कि अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म से, उस ऑर्गेनिज्म से क्या बनती है? लिंक बनती है। तो अब यहाँ पे कितने लिंक है? 1, 2, 3, 4 और ये 5।
दीज आर द फाइव लिंक्स, तो मेनली दीज आर द फोर लिंक्स, यहाँ पे कितने लिंक है, चार लिंक है, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर्स ये भी लिंक में ही आते हैं क्योंकि दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ फूड, तो हाउ मेनी टोटल लिंक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिंक्स आर देयर एंड देयर आर इकोसिस्टम, देयर आर सो मेनी फूड चेन्स दैट आर एग्जिस्ट इन द इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग तरह के फूड चेन होते हैं और अलग अलग फूड चेन जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं अलग अलग लेवल पे और उससे जाके क्या बनती है, फूड वेब बनती है। तो क्या बनते हैं, फूड वेब, फूड वेब के बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो अलग अलग तरह के जो फूड चेन है उसमें अगर इंटरेक्शन, उसमें इंटरेक्शन होता है तो उसे कहते हैं फूड चेन। तो पहले हम इको जो फूड चेन जो है इसको ही पहले अच्छी तरह से समझेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक फूड चेन निकाली है, पहली फूड चेन तो हमने बुक में से पढ़ी थी, दूसरी फूड चेन है। तो फूड चेन किसे कहते हैं, फूड चेन इज अ लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स इन अ फूड वेब। तो फूड चेन क्या होती है, लीनियर नेटवर्क, यानी कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ये जो है एक यहाँ पे एक चेन तैयार होती है एंड दिस चेन इज द लीनियर चेन, लीनियर चेन एंड दिस लीनियर चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर। अब देखिए ग्रास क्या है, ग्रास इज द प्रोड्यूसर दैट प्रोड्यूसेस द फूड मटेरियल। तो ग्रासोपर जो है, ग्रासोपर है प्राइमरी कंज्यूमर, ब्लूबर्ड जो है वो है सेकेंडरी कंज्यूमर और इसको खाने वाला स्नेक जो है ये बन गया टर्शरी, 30 मीन्स टर्शरी कंज्यूमर और ईगल जो है ये है अपेक्स और टॉप कंज्यूमर और बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स। तो सभी जो है ट्रॉपिक लेवल जो है हमें एक लिंक के अंदर पाए जाते हैं एंड दिस फॉर्म्स द एंड अ फूड चेन। तो फूड चेन का और क्या इंपॉर्टेंस है, द फूड चेन ऑल्सो शोज हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय फूड दे ईट। जो वो फूड खाते हैं उस फूड से ही वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रासोपर बोले तो ग्रासोपर इट डिपेंड्स ऑन द ग्रास, नॉट ओनली इट डिपेंड्स ऑन द ग्रास, इट कैन ऑल्सो ईट द सम फ्रूट्स एंड द लीव्स ऑफ सम अदर प्लांट्स, बाकी प्लांट्स के लीव्स वो भी खाएगा। तो जो जो खाता है उससे उसका संबंध जो है वो फूड चेन के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बनता है। अब ब्लू बर्ड जो कि देखिए, ब्लू बर्ड इट कैन ईट द ग्रासोपर, तो ये जो है ब्लू बर्ड का संबंध किससे आ गया है, ग्रासोपर से आ गया है क्योंकि वो उसे खाता है। तो फूड दे ईट, इट कैन फॉर्म द रिलेशन। ईच लेवल ऑफ द फूड चेन रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, तो हर एक लेवल जो है फूड चेन के अंदर वो क्या बताती है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल मैंने आपको बताई, ग्रासोपर जो है प्राइमरी कंज्यूमर, ब्लूबर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक जो है वो टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, ईकल जो है वो अपेक्स कंज्यूमर है और एक इकोसिस्टम जो है इसको हम पढ़ेंगे तो आपको ये सब बातें समझ में आएगी। दिस इज द फूड चेन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम की एक फूड चेन। अब देखिए इसके अंदर जो है प्रोड्यूसर्स जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक्वाटिक प्लांट्स जो है उसको खाने वाले कौन है, श्रिम्प लाइक क्रिएचर्स, श्रिम्प लाइक क्रिएचर्स जो है उसको खाने वाले हैं, जिसके अंदर जो है एग्जांपल मैं आपको बता दूं, प्रॉन, प्रॉन आपने देखा होगा ये श्रिम्प में आता है, तो उसके खाने वाले जो है वो स्मॉल फिशेस, तो स्मॉल फिशेस को क्या खाती है, मैकेरेल, मैकेरेल जो है ये फिश का एक टाइप है, तो मैकेरेल फिश को खाती है फूना, तो फूना जो है वो स्मॉल फिशेस को भी खाती है, श्रिम को भी खाती है और मैकेरेल को भी खाती है एंड देर इज अ शार्क, द शार्क कैन ईट्स द स्मॉल फिश, तो शार्क जो है वो स्मॉल फिश को भी खाती है, मैकेरेल को भी खाती है और पूना को भी खाती है। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है, तो क्या बात पता चलती है, यहाँ से आपको ये बात पता चली होगी कि एन ऑर्गेनिजम्स मे बी द प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको खाने वाला एक से ज्यादा एनिमल्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए इंसेक्ट है, ये तो एग्जांपल आपको मैंने बता दिया। अब देखिए जो मैकेरेल, जो मैकेरेल को फौना भी खाती है
और मैकेरिकल को लार्ज फिश भी खाती है, स्मॉल फिशेज जो है उसको शार्क भी खाता है, पौना भी खाता है और मैकेरेल भी खाती है, श्रिम को खाने वाले जो एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है। वैसे भी इंसेक्ट जो है, जो हमने इंसेक्ट देखे ग्रासोपर देखे, ग्रासोपर सिर्फ ग्रासेस की लीव्स खाते हैं क्या? नहीं, इट कैन ईट्स द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स के पत्ते भी वो खाएगा। एंड दिस इंसेक्ट इज द प्रे फॉर डिफरेंट एनिमल्स। अब वो जो इंसेक्ट है उसको खाने वाला अलग अलग एनिमल्स है, उसको फ्रॉग भी खाता है, वॉल लिजर्ड भी खाती है, अलग अलग बर्ड्स भी उसे खाते हैं। तो इट मीन्स दैट द वन ऑर्गेनिज्म बिकम्स अ प्रे फॉर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, एंड ड्यू टू दिस इट फॉर्म्स अ इंट्रिकेट नेटवर्क और इंटीग्रेट वेब। तो वेब यानी कि जाली। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जैसा यहाँ पे तैयार होता है, एंड दिस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इज कॉल्ड एज फूड वेब। और इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को ही क्या कहते हैं, फूड वेब। आ गया समझ में? अब फूड वेब जो है इसको समझने के लिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो है किताब है, इसके अंदर जो है आपको एक फूड वेब जो है वो तैयार करनी, मैं एक आपको अलग से फूड वेब तैयार करके दूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए, दिस विद द ग्रासेस, दीज आर द प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे एक बनाना प्लांट बताया है, एक दूसरा अलग प्लांट है लाइक एकेसिया, देयर आर द ग्रेन्स एंड फ्रूट्स जो है वो बताए, और यहाँ पे प्लांट्स, ऑल दीज आर द प्रोड्यूसर्स। ये सभी क्या है, प्रोड्यूसर्स है, बराबर है। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स को खाने वाले क्या है, स्क्विरल जो है इसको खाएगा, ग्रासोपर इसको खाएगा, ये मुगुस है ये भी इसको खाएगा, इसको खाने वाला मंकी भी है, प्लांट्स को खाने वाला डियर भी है। तो ये जो प्लांट्स है इसको खाने वाले अलग अलग एनिमल्स होते हैं। तो इनका यहाँ पे एक नेटवर्क तैयार होगा, ये इसको खाने वाला है, ये भी इसको खाने वाला है, ये इसे खाने वाला है। देन इट कैन ऑल्सो ईट द बनानास, द स्क्विरल कैन ईट द ग्रेन्स, द स्क्विरल ग्रासोपर ईट्स द ग्रासेस, ग्रासोपर ईट्स द लीव्स ऑफ प्लांट्स, द बर्ड्स ऑल्सो ईट्स। इट मीन्स दैट इट कैन फॉर्म्स अ नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, एक नेटवर्क जो है यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो इस नेटवर्क को ही क्या कहते हैं, फूड वेब। तो अब यहाँ पे जो है फॉक्स, जो है फॉक्स किसे खाएगा, डियर को खाएगा, बराबर है। रैबिट जो है, रैबिट जो है वो ग्रासोपर भी को भी खाता है, रैबिट जो है वो ग्रेन्स को भी खाता है, बराबर है। जो रैबिट जो है इट कैन ईट्स द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट के लीव्स भी खाता है। तो रैबिट फॉक्स जो है वो डियर को खाता है, द फॉक्स ऑल्सो, रैबिट इज ऑल्सो द प्रे ऑफ फॉक्स। और ये है चीता, द चीता जो है, चीता ईट्स द डियर, इट ऑल्सो ईट्स द मंकी, इट ऑल्सो ईट द झेबरा, झेबरा जो है, झेबरा ईट द लीव्स ऑफ प्लांट, इट ऑल्सो लाइक टू ईट द फ्रूट्स ऑफ बनाना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेटवर्क तैयार हो रहा है, और इसी नेटवर्क को क्या कहते हैं, फूड वेब जो है इस नेटवर्क को कहा जाता है। आ गया समझ में बच्चों? तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है फूड वेब। तो फूड वेब जो है कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है, कॉम्प्लिकेटेड, और इसमें अलग अलग तरह के फूड चेन जो है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो फूड चेन को क्यों कहते हैं, लीनियर, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर लिंक। तो फूड चेन के अंदर क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और फूड वेब के अंदर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए, प्लांट ग्रासेस फ्रूट्स इसको खाने वाले, बटरफ्लाईज है इसको, ग्रीन फ्लाई भी खाता है, और फ्रूट्स को खाने वाला और भी यहाँ पे है, रैबिट जो है ये भी इसको खाता है, बराबर है। तो फ्रूट्स, बटरफ्लाईज जो है, बटरफ्लाईज को खाने वाले जो है वो ड्रैगन फ्लाई भी खाती है, लेडी बर्ड्स जो है वो भी खाती है, देन ग्रीन फ्लाई ऑल्सो ईट द बटरफ्लाईज। आ गया समझ में? देन देर इज द प्लांट्स आर ईटन बाय द ग्रासोपर, द ग्रासोपर को खाने वाला फ्रॉग है, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक है, स्नेक को खाने वाला ईगल है, लेकिन स्नेक जो है इट ऑल्सो ईट्स द माउस, माउस जो है इसको भी खाता है। देर इज द अपेक्स का कंज्यूमर, दैट इज द फॉक्स, द फॉक्स जो है इसको जो है रैबिट को खाता है। देन प्लांट्स एंड ग्रासेस आर ईटन बाय द रैबिट, देयर फोर यू कैन फाइंड द इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट फूड चेन इनसाइड द फूड वेब। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं, और एक फूड वेब जो है मैंने यहाँ पे बनाई है।
जिसमें देखिए द सन प्रोवाइड द एनर्जी टू एकेसिया एंड ग्रास, दे प्रोड्यूस द फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ग्रासेस को खाने वाला बबून है, बबून नाम का एनिमल है जिसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, इसको खाने वाला जेब्रा है। और उसके बाद एकेसिया ट्री, उसके ऊपर टर्माइट्स जो है वो कीड़े जो होते हैं वो रहते हैं। देन एकेसिया के ऊपर जिराफ जो है वो फीड करता है, ग्रासेस को खाने वाला जिराफ है और इसको खाने वाला जेब्रा भी है। अब जेब्रा को खाने वाला चीता, हाइना और लायन, लायन जो है बबून को भी खाता है, जेब्रा को भी खाता है। इन दिस वे दिस फॉर्म्स द इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स। अब इसमें अब अलग अलग फूड चेन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रास, बबून, लायन एक फूड चेन हो गई जिसके अंदर तीन लिंक है। उसके बाद एक जो है यहाँ पे लिंक तैयार होती है, एकेसिया ट्री, टर्माइट, डंग बीटल, बबून, लायन। इस तरह से अलग अलग तरह के फूड चेन के अंदर अलग अलग तरह के फूड वेब के अंदर अलग अलग तरह के फूड चेन्स जो है वो पाए जाते हैं। तो अब देखिए फूड चेन और फूड वेब इनमें क्या फर्क है। तो पहले समझ लेना है फूड वेब क्या है। फूड वेब इज द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। जो अलग अलग फूड चेन है उसके बीच में जो कनेक्शन होता है उसको फूड वेब के अंदर दिखाया जाता है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये कि ग्राफ के जरिए हम इसको दर्शाते हैं। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट ईट्स व्हाट, किसको कौन खा रहा है। अनदर नेम ऑफ फूड वेब इज द कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम। तो फूड वेब का दूसरा नाम क्या है, कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम, ये इसका दूसरा नाम है। एंड इट इंक्लूड्स ऑल फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जितने भी फूड चेन होते हैं वो सभी फूड चेन फूड वेब के अंदर पाए जाते हैं। तो अब देखेंगे फूड वेब और फूड चेन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों देखिए अब डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड चेन के अंदर क्या होता है, फूड चेन फॉलोज जस्ट वन पाथ ऑफ एनर्जी एज एनिमल फाइंड द फूड एंड इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। द फूड चेन इज अ लीनियर नेटवर्क, ये क्या है, लीनियर नेटवर्क है, एक सीधा है। फ्रॉग जो है, ईगल जो है इसको स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है, स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग जो है वो ग्रास को ग्रासोपर को खाता है, ये इसमें दिखाया जाता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ लिंक, तो उसके अंदर क्या होती है, लिंक होती है, अलग अलग लिंक होती है। तो फूड वेब जो है, फूड वेब के अंदर क्या है, फूड वेब शोज हाउ प्लांट एंड एनिमल्स आर कनेक्टेड इन मेनी वेज, मेनी वेज, वेज यहाँ पे होना चाहिए, इन मेनी वेज टू हेल्प देम ऑल सर्वाइव। तो एक एक एनिमल्स कितने अलग अलग एनिमल्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड है, तो एक एनिमल्स कितने अलग अलग प्लांट के ऊपर डिपेंड है जिसकी वजह से वो क्या करता है, जीवित रहता है, ये फूड वेब में दर्शाया जाता है। तो फूड वेब किससे बनती है, फूड वेब इज एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम है उसके अंदर जो अलग अलग फूड चेन है उससे क्या बनती है, फूड वेब बनती है। अब कुछ सवाल है उसके आंसर्स हम जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अब जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन फूड वेब आर फिक्स्ड। तो ये जो फूड वेब है इसमें कंज्यूमर जो है उनकी संख्या फिक्स रहती है क्या, नो, इसका आंसर क्या, नो, द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द फूड वेब आर नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड, तो हमेशा ये फिक्स नहीं रहती। दूसरा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम इफ ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट फॉर्म्स द फूड फॉर सेवरल डिफरेंट कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम। तो इस सवाल का अर्थ जो है वो क्या है, अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर अलग अलग एनिमल्स जो है वो डिपेंड है तो इसका इकोसिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे डियर है, अब डियर को खाने वाला टाइगर है, बरोबर है। अब डियर, टाइगर जो है सिर्फ डियर को ही खाता है, लायन जो है वो भी डियर को खाता है, फॉक्स जो है वो भी डियर को खाता है, यानी कि डियर को खाने वाले कंज्यूमर जो है इनकी संख्या ज्यादा है और सिर्फ डियर को खाते हैं, तो इसका इकोसिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो इसका इकोसिस्टम के ऊपर सीधा इफेक्ट होगा, द नंबर ऑफ डियर्स डिक्रीजेस डे बाय डे ड्यू टू दे आर हैविंग अ मोर देन वन प्रीडेटर, उसको खाने वाले एक से ज्यादा एनिमल्स होने की वजह से उसकी संख्या जो होगी वो कम होते जाएगी। अब जब उनकी संख्या कम होगी तो उसके खाने वाले जो है उनकी संख्या भी कम होगी एंड इट कैन कॉजेस द अनबैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो इसकी वजह से उस इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा। तो इसके ऊपर ही तीसरा सवाल है,
व्हाई इज बैलेंस और इक्विलिब्रियम इज नेसेसरी इन अ फूड वेव। कोई भी फूड वेव है उसके अंदर बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस रहना चाहिए इसका अर्थ क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जीवित होना जरूरी है, यानी कि सबके सब जो है उसमें जिंदा रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये फूड वेव क्या होती है, फेवरेबल इकोसिस्टम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई एज एक्सपेक्टेड। सभी ऑर्गेनिज्म जो है उसको उनकी संख्या बढ़ाने का चांस मिलना चाहिए, उसकी वजह से सबको अपना अपना खाना मिलता रहे। दे गेट इनफ फूड टू कीप देम अलाइव। सभी जो प्राणी जो फूड वेब के अंदर है उसको सफिशियंट फूड मिलना चाहिए जिसकी वजह से वो जीवित रहे। देयरफॉर इकोलॉजिकल बैलेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू अ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इकोलॉजिकल बैलेंस क्यों नेसेसरी है, इसका आंसर क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू द कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो एंश्योर्स दैट नो पर्टिकुलर species is exploited. Exploited इसका अर्थ है शोषण होना। तो ecological balance जो है वो क्यों important है, due to the ecological balance आप यहां पर देख सकते हैं, आप इसको आप clear देख पाएंगे, it leads to the continuous existence of organism. Balance अगर है, ecological balance यहां पर है तो क्या होगा कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पे जीवित रहेंगे। ऑल्सो इंश्योर दैट नो पर्टिकुलर स्पीसीज इज एक्सप्लॉयटेड। कोई एक स्पीसीज जो है इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही स्पीसीज को अगर एक से ज़्यादा खाने वाले हैं तो वो स्पीसीज जिंदा नहीं रहेंगे और उसके ऊपर जो डिपेंड है वो भी जीवित नहीं रहेंगे। तो इसीलिए क्या है कि इक्विलिब्रियम जो है वो फूड वेब के अंदर होना जरूरी होता है। तो आ गया समझ में बच्चों, आपको सब ये समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो ये फूड वेब दी है उसमें आपको कंज्यूमर्स कौन कौन से है, प्रोड्यूसर्स कौन कौन से है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, अपेक्स कंज्यूमर, इसके नाम जो है आपको लिखना है और ये जो है ये फूड वेब भी आपको कंप्लीट करनी है। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में होमवर्क के साथ दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।